सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ iOS 16.1.1 पे जो BGMI में लैग हो रहा है तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई हमारा iOS 16.1.1 पे लैग हो रहा है BGMI, लेकिन आपका यहाँ पे बिल्कुल भी BGMI लैग नहीं हो रहा है। तो ये कैसे नहीं हो रहा, आप क्या यूज कर रहे हो जिससे कि आपका BGMI लैग नहीं हो रहा है आपके आईफोन में? तो मैं यही सब आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी टिप्स ऐसी यूज कर रहा हूँ जिससे कि मेरा आईफोन बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। तो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिसके बाद आपका आईफोन बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, अगर आप सारे अप्लाई कर लोगे अपने आईफोन पे। और अगर आप 2-3 भी अप्लाई कर लोगे तो आपका बिल्कुल भी आईफोन लैग नहीं होगा। तो गाइस अभी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं फटाफट से टिप नंबर 1 की। तो जो टिप नंबर 1 होने वाली है, इसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फोन की सेटिंग्स में। तो आपको फटाफट से खोल लेना है अपने आईफोन की सेटिंग्स एंड फिर आपको क्लिक करना है जनरल पे एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे। और आप लोग का यहाँ पे सेट होगा वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे या फिर वाईफाई पे सेट होगा, तो इसको आपको ऑफ पे सेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके रैम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा रैम में पीछे बैकग्राउंड में चीजें नहीं चलेगी, जिससे कि आपके गेम को ज्यादा से ज्यादा मेमोरी मिलेगी और अच्छे से आपका गेम बिल्कुल चलेगा और आपका फोन ज्यादा हीट भी नहीं करेगा। तो आप इसको जरूर से ऑफ कर लेना एंड ये थी हमारी टिप नंबर 1। एंड अभी बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। तो गाइस जो हमारी टिप नंबर 2 होने वाली है ये थोड़ी अलग होने वाली है, कुछ लोगों को शायद से समझ नहीं आएगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस इसको करने के लिए आपको दोबारा से जाना है अपने आईफोन के सेटिंग्स में एंड आपको दोबारा से क्लिक करना है जनरल में एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है आईफोन स्टोरेज में। और अगर आपका यहाँ पे 64GB है तो आपको ये जरूर से करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ ये आप जरूर से करना। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और सभी एप्स के नीचे आपको देखना है कि लास्ट यूज्ड कब लिखा है, और अगर आपका यहाँ पे लास्ट यूज्ड 3-4 दिन पहले हो तो आपको उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आपके वो ऐप ज्यादा काम नहीं आता है तो आप उसको फटाफट से अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो आपके आईफोन की स्टोरेज भी खाता है एंड आपके आईफोन के रैम में भी रहता है, जिससे कि हमारा फोन हीट भी होता है और वो ऐसे ही स्टोरेज में पड़ी रहती है और मेमोरी को ऐसे ही खाती रहती है एंड इससे आपकी बैटरी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो भी सारे फालतू ऐप्स हो उनको फटाफट से अनइंस्टॉल कर दो, अगर आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते तो फटाफट से अनइंस्टॉल कर दो उनको। एंड ये थी हमारी टिप नंबर 2। एंड अभी बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। तो गाइस आपको टिप नंबर 3 करने के लिए दोबारा से जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स में एंड फिर आपको जाना है नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में एंड फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है टॉप पे, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशंस एंड सर्विसेज, एंड इसको कर देना है आपको ऑफ। एंड गाइस इसको आपको तभी ऑफ करना है जब आप अपने आईफोन में गेम खेलने जाओ, यानी कि जब आप BGMI खेलने जाओ तभी इसको ऑफ करना है एंड जैसे ही आप BGMI खेल के हट जाओ उसके बाद आप इसको ऑन कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपका आईफोन गायब हो जाए तो आपको आईफोन को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। और भी बहुत सारी चीजें होती है इससे, तो वो आप YouTube पे देख लेना, आपको YouTube पे बिल्कुल डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी इससे रिलेटेड। एंड अभी बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। तो गाइस टिप नंबर 4 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप जब भी गेम खेलते हो उससे पहले आपको लो पावर मोड को ऑन कर लेना है अपने नोटिफिकेशन सेंटर से, कंट्रोल सेंटर से। एंड गाइस फिर आप जितनी भी देर BGMI खेलो आपको लो पावर मोड को ऑन ही रखना है एंड ब्राइटनेस आपको रखनी है 40-50%। एंड इतनी ब्राइटनेस रखोगे और लो पावर मोड को ऑन रखोगे तो आपका फोन बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, ये बात मैं आपको 100% गारंटेड बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लो पावर मोड पे ऑलमोस्ट 2 साल तक खेला हूँ एंड अभी तक मेरे को बिल्कुल भी लैग देखने नहीं मिला लो पावर मोड पे। एंड जो लोग बोलते हैं कि भाई लो पावर मोड ऑन करने से लैग होता है और जायरो ठीक से काम नहीं करता, तो मेरे को तो आज तक ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करने नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट खेल रहा हूँ 2 साल से लो पावर मोड पे एंड मैं खेलता हूँ अपने iPhone XR में जो कि 4 साल पुराना हो चुका है, 4 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड अभी तक ये लैग नहीं होता है लो पावर मोड पे। एंड मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करता हूँ लो पावर मोड के साथ और तब भी ये लैग नहीं होता, तो आप देख ही सकते हो कि लो पावर मोड कितना काम का है। एंड जो लोग बोलते हैं कि जायरो स्लो होता है एंड ये स्लो होता है वो स्लो होता है, तो उन लोग की बात पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तो गाइस ये थी हमारी टिप नंबर 4 एंड अभी बात कर लेते हैं हम अपनी टिप नंबर 5 की एंड जो कि लास्ट टिप होने वाली है। तो गाइस अगर आपको अपना लैग बिल्कुल से मिटा देना है, मतलब कि लैग आपका कभी फोन ना हो, तो गाइस आपको परचेज कर लेना है एक मोबाइल एयर कूलर एंड मेरे पास भी मोबाइल एयर कूलर है एंड इसको आप परचेज करोगे तो आपका फोन बिल्कुल ठंडा रखेगा ये एंड फोन बिल्कुल ठंडा रहेगा तो बिल्कुल भी आपका फोन लैग नहीं होगा। एंड मैं 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ इस एयर कूलर को, तो उसका भी रिव्यू आप देख सकते हो कि ये लैग करता है BGMI में या फिर नहीं लैग करता। और गाइस मैं अभी से बता रहा हूँ, अगर आप मोबाइल एयर कूलर को परचेज कर लोगे एंड फिर खेलोगे अपने फोन के साथ में अटैच करके BGMI, तो आपका फोन बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल 1000% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। एंड अगर आपको ज्यादा जानना हो
तो आप 6 मंथ्स का रिव्यू देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन पे वीडियो आ रही होगी। एंड यही था आज के हमारे इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर थोड़ी सी भी काम आए, आपका लैग फिक्स हो तो ही लाइक करना इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा इस वीडियो में। अगर आपका लैग फिक्स हो जाए तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वरना सब्सक्राइब मत करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।